स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि क्या होगा एसिड और बेस के साथ अगर वो वाटर में डिजोल्व हम उनको ना करें या वाटर सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड ना करें तो क्या होगा. सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे स्टूडेंट्स. इसमें हमने क्या किया, सो लुक हियर, हमने क्या किया, ऐसे सेटअप अरेंज करना है. हमने एक क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली और इसमें मैंने डाल दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में. देन आफ्टर दैट मैंने क्या डाला, एक कॉनिकल फ्लास्क से क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4. कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है. जो H2SO4 होता है हमारा किंग ऑफ एसिड जो है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोंगेस्ट एसिड है. तो बहुत केयरफुली हम इसको डालेंगे. देन क्या होता है, ये मिक्स हो जाएगा और क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये HCl बना लेगा, HCl गैस. यहां से क्या प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, HCl की गैस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होगी. तो मैं क्या करूंगी, इसको कॉर्क से बंद कर दूंगी और एक यहां पर ऐसे डिलीवरी ट्यूब लगा लूंगी और उसमें मैं क्या करूंगी, बाहर की साइड आई विल टेक अ लिटमस पेपर. अभी हम मॉइस्ट लिटमस पेपर नहीं लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ ब्लू लिटमस पेपर. देन आई सी कि कोई भी उसमें क्या होगा, चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट. जो मेरा क्या है, ड्राई HCl गैस है, वो क्या करेगा, कोई भी गैस जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या है, ड्राई, सूखी है, उसमें पानी का कुछ भी मॉइस्चर जो है प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ वॉटर है, जिसके वजह से जो HCl गैस है एसिड है. जबकि HCl गैस जो एसिडिक नेचर शो करती है, फिर भी वो क्या करेगी, शो नहीं करेगी अपने एसिडिक बिहेवियर को. लेकिन अगर स्टूडेंट मैं ये क्या ले लूं, लिटमस पेपर अपना मॉइस्ट वाटर वाला ले लूं, गीला जो है ले लूं लिटमस पेपर ब्लू, तो क्या होगा, जो HCl गैस मेरी प्रोड्यूस हुई वो उसको चेंज कर देगी किसमें, रेड लिटमस पेपर में. वो शो करेगा अपना एसिडिक बिहेवियर, जो HCl गैस है वो अब अपनी जो है जो एसिडिक बिहेवियर को शो करेगी. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि जब वाटर की प्रेजेंस होती है तभी एसिड जो है अपना शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर. वो ड्राई यानी कि बिना पानी की जो है अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते. सो स्टूडेंट्स, जो एसिड और बेस है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ही वो क्या करते हैं, अपना एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर शो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, जब HCl को वाटर मिला तो हम H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव भी राइट कर सकते हैं ना, हम इनको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, हमारा हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस में दिखा सकते हैं. इसमें H3O पॉजिटिव होता है हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि जो ये हमारा हाइड्रोजन आयंस है हमेशा वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बना रहता है, हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस है और उधर से एक H और आएगा तो 3H हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन और प्लस पॉजिटिव साइन इस पे हम शो करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन बनाएगा यानी कि H पॉजिटिव आयन बनाएगा, जिसके वजह से हमने देखा कि उसका एसिडिक बिहेवियर उसने शो किया. ऐसे स्टूडेंट क्या होता है, हमारे जो बेसिस हैं वो क्या करते हैं, OH जो है नेगेटिव आयन जो है प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं. तो ये हमारे दोनों क्या हैं, बेस हैं. इन्होंने क्या किया, OH नेगेटिव आयन और OH जो है प्रोड्यूस किया. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो बेस डिजोल्व होते हैं वाटर में उनको हम अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. और सारे जो हैं बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स. जो हमारे सारे बेसिस हैं वो डिजोल्व नहीं होते वाटर में, ठीक है. लेकिन अल्कली क्या है, वो होता है जो वाटर में डिजोल्व होते हैं. और बेसिस का हमें पता है सॉपी टच होता है, बिटर टेस्ट होता है, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको कभी टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ हमने किया था कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता था, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनाता था, ठीक है, हमने ये चेक किया था. नाउ कोरोसिव प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हमारे एसिड जो और बेसिस हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, क्या करते हैं, क्लोथ्स और हैंड्स को बर्न कर देते हैं ये हमें. तो और हमने ये भी देखा था कि हमें एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, वाटर में एसिड मिलाना चाहिए. सो दिस इज अबाउट दैट टॉपिक. सो दिस इज आवर टॉपिक. नाउ
Your homework is to do these question answers. You have to try these question answers. क्योंकि हम अपना जो है यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. सो दिस इज योर होमवर्क कि आप करेंगे ये टॉपिक. और नेक्स्ट टुमारो वी विल डू पीएच. हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पीएच जो है स्टार्ट करेंगे. पीएच स्केल के बारे में रीड करेंगे स्टूडेंट्स.